आंटी अब सेरिश होश में है, बस वो इंजेक्शन की वजह से थोड़े सी ननौत की है। मैं देख कर आती हूँ। नहीं आंटी, सिर्फ एक ही अटेंडेंट अलाउड है, एक दफा अंकल आ जाए आप फिर चले जाएगा। लेकिन हुआ क्या है सेरिश को? अभी कुछ मालूम नहीं है, डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट्स आ जाए तभी कुछ पता चलेगा। बेटा वो ठीक तो हो जाएगी ना? आंटी बस दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं उसको कहती थी डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिख, अगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मामा बीमार थे क्या वो? नहीं बेटा, ऐसे तो बीमार नहीं थी वो, बस यही कंप्लेन करती थी, सर में दर्द है, सर में दर्द है, चीजें रख के भूल जाती थी, और खाना खाना तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अगर जबरदस्ती खिला भी देते थे तो वॉमिट कर देती थी। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना। मुझे छोड़ना, ये तो अच्छा था बेटा तुम उस वक्त उसके साथ खड़ी थी, मतलब जाने क्या हो जाए। मेरा ख्याल है तुम्हें घर जाना चाहिए, आहिल तुम्हारे बगैर परेशान हो रहा होगा। वैसे भी अब फर्दर ट्रीटमेंट तो तभी होगी जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी। हाँ बेटा रूमी, तुम घर जाओ, सारे मुझसे ले जाओ। नहीं आंटी, मैं यही हूँ आप लोगों के पास, रूमी को ड्राइवर छोड़ देगा। चले मामा, मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना, चक्कर लगाती रहूंगी, फोन भी करूंगी आपको। सारिम आप भी चले, वैसे भी सेरिश को होश आ गया है, फ्रेश होकर वापस आ जाएगा। नहीं रूमी तुम जाओ, अंकल को इस वक्त मेरी मॉरल सपोर्ट की जरूरत होगी, मैं उन्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। क्या कंडीशन ज्यादा सीरियस है उसके? I don't know. अब रिपोर्ट आएंगी तभी पता चलेगा, लेकिन प्लीज तुम दुआ करना और अम्मी को बता देना कि मैं इधर हॉस्पिटल में हूँ। ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। आंटी प्लीज अब परेशान ना हो, बस अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह।